यहाँ पे होली मिलन ये कार्यक्रम का आयोजन इन्होंने किया है। प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे सामाजिक, शैक्षणिक और बहुत सारे अच्छे काम इस फाउंडेशन के माध्यम से कर रहे हैं। आज होली मिलन समारोह का आयोजन इन्होंने प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से हमारे विक्रम प्रताप सिंह इन्होंने किया है, हमारे पूर्वेश जी सरनाइक, और इस कार्यक्रम में हमारे युवा हृदय सम्राट आदरणीय आदित्य जी ठाकरे ये आए थे, उन्होंने संबोधित किया और ये वो शुभेच्छा देने के लिए यहाँ पे आए थे। मैं उनका स्वागत करता हूँ और प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पे मैं माता जी को विनती करता हूँ कि इनके हाथों से ऐसा ही अच्छा काम इस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को लिए ये सेवा करे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस मंच से जिस तरह से भोजपुरी गानों का भी प्रसारण किया गया, आप इसे किस तरह से देखे, आपने कितना एंजॉय किया, और ऐसा कोई वर्ड जो आपको भी आता और आप जनता के लिए बोल सके? मेरे ख्याल से भोजपुरी और हमारे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का बहुत अच्छा नाता है। हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं। होली उत्सव, होली एक ऐसा त्यौहार है कि सबको मिलजुल के हर जात धर्म के लोग मिलजुल के करते हैं, और इस प्रताप फाउंडेशन के माध्यम से हमारे विक्रम जी और उनके टीम ने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया था और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनका स्वागत करता हूँ। विक्रम जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से होली समारोह का आज आयोजन किया गया था और आदित्य ठाकरे जी भी यहाँ पर मौजूद रहे, बिल्कुल हमारे प्रताप फाउंडेशन के लिए, इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमारे युवा हृदय सम्राट आदित्य जी ठाकरे हमारे मंच पे आए और बहुत सुंदर जो है उन्होंने भाषण दिया, लोगों को शुभकामना दिया, आशीर्वाद दिया, होलिका दहन उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं जो है पूरा मीरा भाईंदर बहुत खुश था कि हमारा युवा यहाँ पर हम लोगों को उत्साहित करने के लिए आए हुए थे। उसी कड़ी में हमारे लोकप्रिय खासदार राजन बिचारे साहब यहाँ पे हम लोगों को आशीर्वाद देने, हमारे सभी हिंदी भाषी समाज को का हौसला अफजाई करने यहाँ पर आए हुए थे। हमारे लोक लाडले नेता, हमारे आमदार प्रताप सरनाइक साहब, पूर्वेश जी सरनाइक, तमाम हमारे सभी शिवसेना बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम समाज सेवी लोग यहाँ पे मौजूद रहे और बहुत ही सुंदर तरीके से ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। देशवासियों को क्या शुभकामनाएं होगी होली के लिए? बिल्कुल, हमारा होली तब जाके सफल होगा, हम सब एक रहे, संगठित रहे, भारत माता को मजबूत करे, हम सब जिस तरीके से हमारे देश के समृद्धि और शांति और सुख पे जो है कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारी आतंकवादी जो तिरछी नजर से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब जितना संगठित रहेंगे, अपने संस्कृति में जितना घुल मिल के रहेंगे, जो है पूरा देश हमारा एक ताकतवर बनेगा, उतना ही कहीं ना कहीं भारत माता का रक्षा सुरक्षा हो सकेगा। हमारे सीना ताने हुए हमारे जो सैनिक जो है बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मैं उनको सबसे ज़्यादा शुभकामना देता हूँ, अपने शब्दों से उनको अबीर गुलाल लगाता हूँ कि आप है तो हम हैं, आपका हौसला अफजाई करने के लिए हम सब यहाँ पे ऐसे वीर रस के कार्यक्रम करते हैं ताकि जो है आप हमारी रक्षा कर सके, और आपके हौसलों के साथ हम सब युवा, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा फाउंडेशन, हमारा पूरा शहर आपके साथ है। और जो हमारे सेना जो शहीद हो गए पुलवामा में या उसके पहले हमारे कोसुकरानी इस मीरा भाईंदर शहर में शहीद हुए, उनको भी मैं ढेर सारी श्रद्धांजलि देता हूँ, और उनकी शहादत जो है हम सब बेकार नहीं जाने देंगे, भारत माता के मान आन पे हम लोग कभी आँच नहीं आने देंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं इस होली पे।